कमलनाथ सरकार इन दिनों प्रदेश में इन्वेस्ट करने वालों के कवायद करने में जुटी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हों बल्कि युवाओं को रोजगार मिल सके। इसी के चलते इंदौर में 17 और 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाली मैग्निफिसेंट एमपी की तैयारियां की जा रही हैं। बुधवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव सुधीरंजन मोहंती ने प्रमुख सचिव राजेश राजोरा और संजय शुक्ल के साथ अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में मुख्य सचिव SR मोहंती ने मैग्निफिसेंट MP को लेकर कुछ बातें भी कहीं। उन्होंने इंदौर में इस बार MMP ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 18 तारीख को मेन फंक्शन होगा, 17 तारीख को यहाँ की जो एग्जीबिशन है वो इनॉग्रेट की जाएगी और कुछ स्थानीय उद्योगपतियों से और औद्योगिक संगठन वगैरह से CM साहब 17 तारीख शाम को बात करेंगे और 18 तारीख को 11 बजे मेन फंक्शन शुरू होगा। जो मेन फंक्शन होगा वो करीब 2 घंटे का होगा, इसमें इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी और कुछ प्रमुख उद्योगपति जो मध्य प्रदेश में इंटरेस्ट ले रहे हैं या मध्य प्रदेश में पहले से इन्वेस्ट किए हुए हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो 5-7 मिनट बात करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा और उसके बाद लंच के बाद 8 स्पेशल सेशंस आयोजित किए जाएंगे, यानी कि 4-4 के 2 खंडों में स्पेशल सेशंस होंगे। 1:30 बजे से 3:30 बजे तक और दूसरा 4 बजे से 5 बजे तक। इस बार फ़र्क यह है कि जो स्पेशल सेशंस होगा उसमें किसी ना किसी बड़े उद्योगपति को वो सेशन को रन करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाए और वही हमारे एंकर इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो उस सेशन को वो एड्रेस करेंगे और उसमें करीब 70 से लेकर 100 लोगों का उपस्थिति उसमें रहेगी जिसमें चर्चाएं होगी और क्वेश्चंस होगा और इसमें लोगों से हम आइडियाज़ लेंगे। शाम को एक कल्चरल प्रोग्राम और डिनर होगा और 18 तारीख को ही मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का कार्यक्रम समापन होगा। पहले 3-3 दिन का होता था, इस बार मुख्यमंत्री जी ने जो 2 चीज़ें कही, नंबर 1 इट हैज़ टू बी बिजनेस, कम्प्लीटली बिजनेस लाइक, तो इसमें लंबे लंबे भाषण और लंबे लंबे चर्चाएं करने का कोई मतलब नहीं है और 2-2, 3-3 दिन का करने का कोई मतलब नहीं है। जो प्रमुख उद्योगपति हैं वो एक दिन में ही वापस चले जाते हैं, इसको स्ट्रेच करने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 2, हम आपको 16-17 तारीख के आसपास वो सूची अवेलेबल करवा देंगे जो कि आज के दिन में पिछले 8-9 महीने में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का अपना इंटेंशन दिखाया है और कुछ कार्रवाई शुरू किया है और जो आने वाले 5-6 महीने में या साल भर में इन्वेस्टमेंट करना तय कर लिए हैं। महज MOU साइन करना और उसको धरातल पे फलीभूत होते हुए न देखना का कोई मतलब नहीं है। जो सीरियसली इंटरेस्टेड हैं और जिनको हम इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट लेने पर कन्विंस कर पाए हैं और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में हम जानकारी आपको 16-17 तारीख के आसपास देंगे। आज अभी ये सब प्रक्रिया चालू है, आज ही यहाँ पे आने के टाइम में एक कोई 500 मेगावाट का इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, एक कोई 2000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का, ये प्रपोजल्स कंटिन्यूसली उन लोगों के द्वारा आ रही हैं। हम MOU साइन करना इस इन्वेस्टर समिट में हमारा मेन ध्येय नहीं रख रहे हैं। हमारा मेन एम होगा कि जो सॉलिडली मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों से बात करें, उन लोगों से जानें, उन लोगों से समस्याएं समझें और कैसे कैसे हम चेंजेस ला पाएंगे हमारी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, उसके बारे में ये समिट। सर, नई इंडस्ट्री पॉलिसी आने वाली थी और उद्योगपतियों को इन्विटेशन देने के लिए कि मध्य प्रदेश में क्या क्या नई नई फैसिलिटी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। और पहले एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता था पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि
कि हम जो अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको वन शू फिट्स ऑल, एक ही जूता सबके लिए लागू नहीं होता। डायमंड इंडस्ट्री के लिए जो आवश्यकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए वो आवश्यकता हो नहीं सकती। कोई पावर गजलिंग यानी कि ज़्यादा पावर यूज़ करने वाला उद्योग है और जो कम पावर यूज़ करने वाला उद्योग है उनके लिए एक प्रकार का पॉलिसी हो नहीं सकता। इसीलिए हम लोगों ने करीब 9-10 अलग अलग विभागों के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ तय किए हैं, जो कि एक कंपेंडियम के रूप में इस बार MMP में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि उद्योग स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसी जो कि आपस में थोड़े थोड़े अलग हैं वो हम लोग अनवेल करने वाले हैं। और ये इंडस्ट्री की भी इच्छा यही थी कि साहब एक ही फार्मूला में एक ही डंडे से सबको हांकने वाला जो फार्मूला है वो ठीक नहीं है, आप अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग करिए। तो वो हम 16-17 को रिलीज प्रदर्शन में आम लोगों के लिए खुल रहेगी। सर इस बार सर कितने इंडस्ट्री सर आपने बुलाए हैं और अभी किस किस का फाइनल हो गया है सर? कितने जो इंडस्ट्रीज आ रहे हैं और जो फाइनलाइज हो गया है, हम 15-16 तारीख के आसपास रिलीज करेंगे। सर, आपने प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खुली रहेगी? प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खुली रहेगी। सर जो पिछली इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें जो भी हासिल हुआ, जो निवेश हुआ, उसका आज दिनांक तक जितने इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो सरकार उन आंकड़ों पर वर्कआउट कर पाई है क्या और वो क्या है? हम वर्तमान और भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता कर रहे हैं। सर जो लीज की जो जमीन है वो दो जो मिली हुई उसको फ्री होल्ड किया जाए, ये बड़ी मांग लंबे समय से चल रही है उद्योगों के लिए, उस पर कुछ विचार हो रहा है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आप देखिए सर कोर सेक्टर कौन से रहेंगे और दूसरा लैंड बैंक की क्या स्थिति है? कोर सेक्टर्स जो हमारा फोकस सेक्टर्स वो मैं बता देता हूँ, और ये नॉट नेसेसरी सीक्वेंस में है। जैसे जैसे एक तो मध्य प्रदेश का नया GST कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश एक वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब सेंटर ऑफ द नेशन के रूप में डेवलप हो सकता है, होगा, ये हमारा एक फोकस है। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर रहेगा। मध्य प्रदेश के टूरिज्म पोटेंशियल का पर्याप्त दोहन नहीं हुआ है, तो टूरिज्म विल बी अनदर सेक्टर जो हम लोग इंटरेस्टेड हैं। फार्मास्यूटिकल में बहुत सारे यूनिट्स मध्य प्रदेश में हैं, हम उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। दैट विल बी अनदर सेक्टर जिस पे हम लोग ध्यान देना चाहेंगे। IT स्पेशली केवल ITES न हो बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, मैसिव डेटा हब सेंटर, IT हब सेंटर सेटअप करने के बारे में, स्टोरेज बैटरीज के ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो मिनी हाइडल हो, चाहे वो बायोमास हो, वो हमारा एक और बहुत बड़ा फोकस एरिया रहेगा। इसके अलावा जो आम कंजम्पशन के लिए, कंज्यूमर जो FMCG जिसको कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स के लिए, वो तो हमारा फोकस रहेगा ही। और स्पेशली चूँकि हम एक इंडिया का एक वेयरहाउसिंग हब सेंटर बनेंगे, तो ऑब्वियसली FMCGs ऐसे कंज्यूमर गुड्स जैसे कि सीमेंट एक्सेट्रा जो हमारे माइनिंग और मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, ये हमारे मेजर फोकस। सर लैंड बैंक की क्या फोकस एरिया बताएं? उसकी तैयारी मैंने सबसे पहले निवेदन किया कि हमारी पॉलिसी उसी अनुसार होगा। तो अगर हमारा जो फोकस एरिया है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो पॉलिसी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हम क्या एडिशनल बेनिफिट्स आपको। सर चल रही है उसका कितना असर इस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? सभी से आपकी बात हो रही है, कितने लोग राजी हो रहे हैं? CII के कॉन्फ्रेंस में भी कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में तो मंत्री नहीं है। जो इंटरेस्ट दिख रहा है वो तो उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता तो दिख नहीं रहा, अब आगे देखो। सर सर बैठक में संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वरुण कपूर, कलेक्टर लोकेश जाटव, निगम आयुक्त आशीष सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुचि वर्धन मिश्र सहित सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने आयोजन स्थल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में तैयारियों का जायजा भी लिया।
Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.